जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारियाँ बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड की आपको फिजिकल की तैयारी कब से और कैसे करनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो आज का ये वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाला है। इसमें महिला और पुरुष दोनों की डिटेल्स कवर करूँगा। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को जरूर पूरा देखें। साथ साथ आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिजिकल की देखिए, पुरुष की अगर हम बात करें तो पुरुष का 25 किलोमीटर की रनिंग इसमें होनी है। 4 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, और 10 किलो वजन लेके आपको दौड़ना है। वजन इस तरीके से होगा कि एक बैग में मट्टी भर दी जाएगी, मतलब उसे पिट्ठू बोलते हैं, वो आपको लेकर के दौड़ना है। सेम ऐसे मानिए जैसे आप बैग बुक्स लेकर के या अपना जो बैग वगैरह लेकर के आप कभी ना कभी दौड़े होंगे, सेम वैसे ही आपको दौड़ना है, ठीक है। बात करते हैं महिला की। देखिए, 14 किलोमीटर की आपकी रनिंग होनी है, 4 घंटे का आपका टाइम रहेगा, ठीक है, और आपको मतलब वजन लेके नहीं दौड़ना है। तो दोस्तों, मैंने 2016 वाली वैकेंसी का रिटेन क्वालिफाई किया था, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिजिकल मेरा था समिति भवन लखनऊ करके था, 24 जुलाई 2019 को मैंने अपना फिजिकल छोड़ दिया था। उसकी वजह ये रही कि मैं यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की ट्रेनिंग कर रहा था और आज मैं यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की जॉब भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं कि फिजिकल होगा किस तरीके से। देखिए, इसमें 400 मीटर का राउंड नहीं होगा, इसमें क्या है कि आपका 2 से 3 किलोमीटर का एक राउंड होगा, एक ट्रैक वगैरह बना हुआ होगा, वो दौड़ना है, ठीक है। 25 किलोमीटर की रनिंग है या लड़कियों की 14 किलोमीटर की रनिंग है, तो लंबा ट्रैक होगा, आपको दौड़ना है। आप पैदल चल के भी अपनी रनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको 4 घंटे में अपनी रनिंग कंप्लीट करनी है। अरे, लड़के और लड़कियां फेल होते हैं, ठीक है, तो इसकी बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करके जानी है, जिससे आपका ये फिजिकल क्वालिफाई हो पाए। जितनी मेहनत आप अपने एग्जाम के लिए कर रहे हो, इससे दुगनी मेहनत आपको अपने फिजिकल के लिए करनी होगी। लड़कियों के लिए 14 किलोमीटर की रनिंग बहुत होती है, लड़कों के लिए 25 किलोमीटर की रनिंग बहुत होती है, 5 किलोमीटर की रनिंग यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल में होती है, वो भी बहुत टफ लगती है। बात करते हैं कि इसकी हमें तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। है कि 25 किलोमीटर की आपकी रनिंग है, अगर आप 25 किलोमीटर दौड़ोगे डेली तो आपको वीकनेस हो जाएगी और प्रॉब्लम भी हो सकती है। 25 किलोमीटर रनिंग बहुत होती है, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर शुरुआती टाइम पे स्लो स्लो आपको दौड़ना है, ठीक है, जिससे आपके पैरों में भी दर्द ना हो, ठीक है, आपकी रनिंग भी कम्प्लीट होती रहे, ठीक है। तो पहले अपने शरीर को मतलब रनिंग में ढालना है, जिससे आप अपनी मतलब रनिंग कंप्लीट कर पाओ। शुरू शुरू में क्या है कि जब आप रनिंग स्टार्ट करोगे, मतलब रनिंग की स्टार्टिंग करोगे, तो आपके मतलब कभी कहीं पेन होगा, कभी आपकी सांस फूलेगी, ठीक है, पैरों में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। किसी किसी के मतलब दौड़ने में पेट में भी दर्द होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जब आप 8 दिन 10 दिन 15 दिन जब स्लो स्लो करके दौड़ना स्टार्ट करोगे, तो आपकी मांसपेशियाँ जो हैं इस चीज़ में ढलने लगेंगी। जैसे 1 महीने 2 महीने हो जाते हैं, तो इसके बाद आप 5 किलोमीटर की रनिंग का रूटीन बनाइए, 5 किलोमीटर रनिंग लगाइए, ठीक है। अगर आपके पास कोई मतलब रोड वगैरह हो तो उस पर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए कुछ जो महिलाएं हैं, ठीक है, तो आपको करना ये है कि आप जो आपके साथ में आपका भाई हो या परिवार में कोई हो, उसे साइकिल चलवाइए, ठीक है, और साइकिल के सहारे उसको मतलब साइकिल के साथ साथ दौड़िए। तो इससे क्या है कि आपका स्टेमिना बढ़ेगा, ठीक है, और आप रुकोगे नहीं, ठीक है। तो एक अच्छा भी लगेगा जब कोई साथ में मतलब या तो अपना ग्रुप बना के दौड़िए, 4-5 लड़कियाँ या 10-20 लड़कियाँ, ठीक है, या फिर अपने साथ में किसी जो साइकिल चलाए उसके साथ साथ आप दौड़ें, तो इससे आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा आसान लगेगी। जूते आपको अच्छे से लेने हैं, ठीक है, एक बाहर के आते हैं, ठीक है, और भी आते हैं जो स्पोर्ट वाले शूज होते हैं, जो सेगा का ओरिजिनल जूता आता है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थोड़ा खाने पे मतलब थोड़ा ध्यान देना है, खाने पे मतलब ऐसा कि जिससे आपका सांस ना फूले। उसके लिए आपको करना यह है कि आप जो काले वाले चने आते हैं, ठीक है, जिसको देसी चना बोलते हैं, ठीक है, वो ले आएँ, शाम को उसको भिगोएं, ठीक है, 2 छुहारे लें उसको भिगो दें, ठीक है, 2 बादाम लें उसको भिगो दें, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में रनिंग करने के बाद में, ठीक है, रनिंग करने के तुरंत बाद में पानी नहीं पीना है, ठीक है, उसके थोड़े बहुत देर बाद में पानी पीना है। उसके बाद में क्या है कि आपको जो आपने चने भिगोए हैं, चने को खाना है, ठीक है, और बादाम को खाना है, बादाम की जो छुक्कल होता है उसको उतार के फेंक दें, ठीक है, उसकी गिरी गिरी को खाएं, ठीक है, और अपना दूध वगैरह का सेवन करें, दलिया वगैरह खाएं, ठीक है, तो जिससे आपका इसमें स्टेमिना बना रहे, ठीक है। बीच में अगर आपको लगता है कि मतलब मेरा स्वास्थ्य सही है और मेरी रनिंग ठीक है और मुझे कहीं पेन वगैरह नहीं है, तो आप उस टाइम पर 25 किलोमीटर की रनिंग करके
करके देख सकते हो, 25 नहीं तो मैक्सिमम आप जितनी करके देख सकते हो, जितना आपके पास टाइम हो, ठीक है, उतनी करके देख सकते हो, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है, स्लो स्लो या जिस तरीके से अपना टाइम का एक एवरेज लगा सकते हो कि मैं टाइम इसमें कवर कर लूँगा या नहीं, ठीक है। 25 किलोमीटर के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक साइकिल आप लीजिए और 25 किलोमीटर साइकिल चला के देखिए, ठीक है। जब हम साइकिल चलाएंगे तो उससे भी मतलब हमें मतलब एक हमारी प्रैक्टिस होगी, उससे भी हमारा शरीर सही मतलब शरीर उस चीज़ में आएगा और आप ये देख लोगे 25 किलोमीटर कितना होता है, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ा सा उससे कर लीजिए, फिर बाद में अपना जो है अगर आपको टाइम मिलता है तो आप 25 किलोमीटर की भी रनिंग करके बीच में देख लीजिए। चाहे आपको मॉर्निंग में टाइम मिलता है या इवनिंग में टाइम मिलता है तब आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छा रहेगा कि आप मॉर्निंग में इसकी प्रैक्टिस करें। हार्ड आपका फिजिकल नहीं है, इसे नॉर्मली इसकी प्रैक्टिस करते हुए चलिए, आपका ये फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।